माँ विद्या, मैंने सोचा आप तुम्हारे लिए कुछ मैचिंग इयररिंग्स ले आऊं, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। ये लो। थैंक गॉड माँ, आप आ गई। विद्या, क्या हुआ, क्या सोच रही? पापा, इफ यू डोंट माइंड, मैं माँ से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। किस बुरा मत मानिए पापा, लेकिन कुछ बात है जो मैं सिर्फ माँ से शेयर कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जा। जी। चलो बैठो। अब बोलो, विद्या अपनी माँ से क्या बातें करना चाहती है? अच्छा, श्रवण से मिलने जा रही हो इसलिए घबराहट हो रही है। ये अंबे, घबराहट तुम्हें नहीं, उस लड़की को होनी चाहिए। तू तो मेरा शेर है, शेर। बस मुझसे जो वादा किया है उसे याद कर और जा, जाके उस लड़की को मिल। I know कि उनसे मिलने के लिए मैंने ही हाँ कहा था, लेकिन लेकिन क्या विद्या? माँ, मुझे ये फील हो रहा है कि कहीं मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह के गलत तो नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि ये रिश्ता पहले मीरा दी के लिए आया था। विद्या, सबसे पहले ये ख्याल अपने मन से निकाल दो, क्योंकि हर एक रिश्ते की अपनी एक तकदीर होती है। कौन कब किस वक्त किसको पसंद आ जाए और किसके साथ किसका रिश्ता कब जुड़ जाए, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। लेकिन अब फिलहाल तुम ये सब कुछ सोचना बंद करो और हाँ, वो इंग्लिश में सरल रखो, कीप इट सिंपल। लड़की सिंपल है और मुझे पसंद है। अब अगर वादा पूरा करना है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन बाजी, कल तक तो वो... बस बोल दिया सो बोल दिया। जा मेरे शेर, जा और कोकिला की पोती का दिल जीत ले। बड़ी वाली होती तो ज्यादा मजा आता, लेकिन शायद तेरी किस्मत में यही है। भगवान सोनु बलु करे, बस शुरुआत मारा थी करे। बहारो फूल बरसाओं आया है। अरे तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? विद्या और श्रवण के मिलने का टाइम हो गया। कम ऑन मॉम, हमारी विद्या डेट पे जा रही है। डेट? हाँ, मतलब ऐसा मैंने नहीं कहा, गौरा मासी ने कहा है, बट घर के आंगन में डेट पे कौन जाता है? एग्जैक्टली, विद्या की जगह अगर मैं होता ना तो कभी राजी नहीं होता। तो अच्छा क्या कहा बच्चों? जरा मैं भी तो जानूं कि यदि तुम दोनों होते उसकी जगह पर तो क्या करते? वो दादी, मैं तो आप मेरा चेहरा ही देखिए, मैं शक्ल से कितना सीधा साधा भोला भाला लड़का लगता हूँ। सपने में भी किसी लड़की के साथ डेट पे जाने का सोच भी नहीं सकता। मैं, मेरे बारे में तो सब जानते हैं, सबसे ज्यादा सिंपल ही मैं हूँ। इनफैक्ट हम दोनों ही बहुत सिंपल हैं। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों कितने सीधे और कितने टेढ़े। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, दरअसल मैं आप दोनों के लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब काकी जी, अब हमें अंदर चलना चाहिए। हाँ परी देवो।
दिव्या की शादी को लेकर इतने एक्साइटेड क्यों है? और ये दिव्या भी पागल, इस गवार के चक्कर में अपनी लाइफ ही स्पॉइल कर लेगी। सबसे पहले तो मुझे इनसे वो ट्रैक वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी कहना चाहिए। क्या पूछूं पहले? यही पूछ लेता हूँ कि इन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? I'm sorry. माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं ज्यादा बातें नहीं करता। जी, वो मुझे पता चला। वैसे एक और बात पता चली मुझे, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए उनको लेके इतने प्रोटेक्टिव हैं। सच कहा आपने। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती, क्या तब भी आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते? जी, ऐसे सवाल तो मेरे मन में भी कई उठ रहे हैं कि इस रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय है। कोयली लगाती है 500 की शर्त, दोनों का जवाब हाँ ही होगा। गौरा, ये कोई मजाक करने का समय नहीं है। हैं? अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अरे 500 की शर्त लगा रही हूँ, इतना महंगा जोक्स मैं नहीं मारती। कोकिला बहू, तुझे गौरा ने कभी भी बचपन में उदास नहीं होने दिया होगा ना? हाँ बा, गौरा बचपन से ही ऐसी है। बात हुई? देख, घबराने की कोई बात नहीं है, हमने कहा है ना, आखिरी फैसला तेरा ही होगा। अगर अब ये रिश्ता तुझे मंजूर नहीं है तो बता दे, हम अभी मना कर देते हैं। माँ, हमने बहुत बातें की। हाँ तो आपने कहा था ना, किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक दूसरे से बातें करना बहुत जरूरी होता है। मतलब क्या है विद्या? माँ, आई थिंक हम बात कर पा रहे हैं। इसका मतलब श्रवण तुझे पसंद है? माँ जी, अहम जी, विद्या को ये रिश्ता मंजूर है। धा, 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 धा। अरे वाह, देखा, मैंने कहा था ना, मैं शर्त जीत गई। ला मेरे 500 रुपए। एक मिनट, विद्या की राय तो हम सबने जान ली। श्रवण कुमार, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? अरे इसे क्या पूछना, इसका तो हाँ ही है। नहीं मासी जी, आप जो कह रही हैं यही बात हम श्रवण से सुनना चाहें। बोलो श्रवण, तुम्हें विद्या पसंद है ना? मुझे भी विद्या पसंद है।
देखा देखा, मैंने कहा था ना मैं शर्ट जीत जाऊंगी। वाह बेटा वाह श्रवण बेटा। ए मेरी पोती बहू वहां क्या खड़ी है, आ जाओ मेरे पास। अरे मीरा दी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? अरे नीचे आ जाओ। परिवार वालों की खुशी के लिए तू अपनी लाइफ की क्यों बैंड बजा रही है? वाओ मिस विद्या, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा गफार मुबारक हो। विद्या दिकरा आओ तेरे। ये मीरा दी कभी नहीं सुधरी। आई नो ब्रदर। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।